रैमें वैमें भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ब्रांडेड होती हैं सैमसंग के अंदर फ्रेश। आप i7, i5, i3 भी लगा सकते हैं। ये फोर्थ जनरेशन का 2 रैम स्लॉट वाला आपके सामने खोल के जैसे हमने दिखा दिया। टावर का डब्बा जैसे होगा मिसाल के तौर पे, तो वो 3000 रुपये में लेस करते हैं हम। डेस्कटॉप को होगा तो 2500 रुपये में लेस करते हैं। अस्सलामुअलैकुम असील भाई। वालेकुम अस्सलाम फाजिल भाई। असील भाई, आज हमारे व्यूवर्स के लिए आप कौन कौन सी मशीनें लेके आ रहे हैं? फाजिल भाई, आपको पता है जैसे डेल टावर में ही हमारा काम है शुरू से। डेल टावर में आपके लिए गेमिंग मशीनें अगर लोअर बजट के अंदर, जैसे कस्टमर रिक्वायर्ड करते हैं कि लोअर बजट में 17-18 हज़ार रुपये में तैयार हो जाए मशीन अच्छी, तो पबजी GTA 5 के लिए, तो थर्ड जनरेशन की मशीन मैं वो उसको रेकमेंड करूँगा। 3010 ये मशीन है, i5 थर्ड जनरेशन के साथ 8 GB रैम के साथ अगर वो लेना चाहें, और 500 GB हार्ड ड्राइव, 128 SSD और 1 GB ग्राफिक कार्ड के साथ, तो ये सब आपको कम से कम 17-18 हज़ार में आपका अच्छा PC तैयार हो जाएगा। तो मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर बात करूँ, तो जैसे हमने ये थर्ड जनरेशन का बॉक्स ले लिया पहले, तो ये हमें कितने का पड़ेगा? ये थर्ड जनरेशन का अगर आप 3010 दो रैम स्लॉट में अगर हमसे परचेस करते हैं तो ये आपको 7500 का मिलेगा। अगर ये थर्ड जनरेशन का आप 4 RAM स्लॉट में 9010 परचेस करते हैं तो ये 8500 का पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी वीडियो की उससे अगर कोई हमसे कांटेक्ट करेगा तो 8000 रुपये का ये दे देंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी? इसमें प्रोसेसर लगेगा i5 थर्ड जनरेशन का, वो 3000 रुपये का। 3000 रुपये। उसके अलावा 8 GB रैम आएगी 3000 रुपये की। उसके अलावा 1 GB का 64-bit का ग्राफिक कार्ड भी आएगा 2000 रुपये का। अगर आप ज़्यादा रेकमेंड, आपका बजट अच्छा है तो 128-bit ले लें, वो 4000 रुपये का। अगर उससे भी अच्छा है तो 256-bit 6000 रुपये का 1 GB। यानी कि अगर 20000 रुपये में एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें आप पबजी गेमिंग वगैरह GTA 5 CD ये सब कर सकते हैं। हाँ, हैवी ग्राफिक काम का भी हो जाएगा, गेमिंग के अलावा के ऑफिस वर्क के लिए भी अच्छा। ठीक है, आप मशीनें वगैरह बता दें इसके अलावा कौन कौन सी? उसके अलावा अगर आपका थोड़ा और अच्छा बजट है तो फोर्थ जनरेशन में भी हमारे पास पड़ी हुई है 3020। और अगर इसी के अंदर आप हमारे पास फोर्थ जनरेशन के अंदर अगर 4 RAM स्लॉट मांगते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, ये सारी फोर्थ जनरेशन 4 RAM स्लॉट के अंदर भी पड़ी हुई है। बाकी अगर आप इसके अंदर आते हैं तो इसके अंदर आप i7 फोर्थ जनरेशन भी आपको मिल जाएगा। वो कम से कम अगर आप लेते हैं तो इसका सिर्फ बेयर बोन जो है आपका वो है 7500 रुपये का, 2 RAM स्लॉट जैसे आपको बताया, और उसी का 4 RAM स्लॉट वाला 8000 रुपये का। अगर आप i7 फोर्थ के साथ जाते हैं तो i7 फोर्थ का प्रोसेसर है 13500 रुपये का। ठीक है, और अगर i5 फोर्थ में आते हैं तो उसका प्रोसेसर है 5500 का, और अगर i3 फोर्थ के अंदर आते हैं तो उसका प्रोसेसर 3500 रुपये का। बाकी आप खुद कैलकुलेशन करें, आपके बजट के हिसाब से जो आप रिक्वायर्ड करेंगे वो लगा के देंगे आपको। जी मैंने आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बता दिया, i7, i5, i3 दोनों के रेट, सारी कैटेगरी, कब कस्टमर की जैसा बजट और जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से रेडी करके देंगे। असील भाई, असल में काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं कि जिनके पास ये सिस्टम रखे हुए लेकिन पुराने हो गए, जल गए, इसका क्या हल है? इसका आपके लिए हमने बिल्कुल ऐसा इजी हल निकाला है कि जैसे आपका सिस्टम है कि जल गया है, अब पड़ा हुआ है, आप कस्टमर सोच रहा है यार मेरे पास पैसे नहीं है और सिस्टम लेने के, तो वो लेके आ जाएं आप, तो उसके पैसे हम लेस कर देंगे, जो ऊपर बनेंगे आपसे ले लेंगे। टावर का डब्बा जैसे होगा मिसाल के तौर पे, तो वो 3000 रुपये में लेस करते हैं हम। डेस्कटॉप को होगा तो 2500 रुपये में लेस करते हैं। जैसी भी कंडीशन में हो, जला कंडीशन, जी जैसी भी कंडीशन में हो, अगर ऑन हालत में भी है तो वो भी हम एक्सचेंज कर देते हैं, मसला नहीं है। जैसे कोड डूडू है किसी के पास, उसका माइंड कर रहा है यार मेरे को हैवी बनाना है, i सीरीज में जाना है, तो i सीरीज का उसका पुराना रख के, जैसे कोड टू क्वाड होते हैं बोस्को के पास पुराने, तो वो रख के भी हम i सीरीज की फ्रेश मशीनें वारंटी में दे देते हैं। इसके अलावा फाजिल भाई आप देखें, अगर रैमें वैमें भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ब्रांडेड होती हैं सैमसंग के अंदर फ्रेश, जैसे दूसरी कंपनी में आप देखें तो आपको एक SKY HP भी मिल जाएगी। ठीक है, असल में ये सारी रैमें 10x10 कंडीशन में होती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने किंगस्टन की भी आपको रैमें मिल जाएंगी। ये DDR3 की रैमें हैं, आपको फ्रेश कंडीशन में, जैसे आप सिर्फ रैमें रिक्वायर्ड हमसे परचेस करना चाहें तो रैमें भी आपको अवेलेबल मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा असील भाई, अगर आप हमें कोई सिस्टम वगैरह खोल के दिखाएंगे तो कस्टमर को हमारे बताएं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे फाजिल भाई, कंडीशन है या नहीं? बिल्कुल, आपके सामने बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है। ये फोर्थ जनरेशन का जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आप i7, i5, i3 भी लगा सकते हैं। ये फोर्थ जनरेशन का 2 RAM स्लॉट वाला आपके सामने खोल के जैसे हमने दिखा दिया। ठीक है फाजिल भाई, फिर इसके बाद हम ले आते हैं 7010 थर्ड जनरेशन में। जैसे आपको मैंने बताया था कि 2 RAM स्लॉट वाला जो है वो 7500 और 4 RAM स्लॉट वाला 8000 का, ये 4 RAM स्लॉट वाला आपका आ गया। ठीक है फाजिल भाई, फिर इसके बाद आ जाते हैं
ये सेकंड जनरेशन के अंदर दो रैम स्लॉट वाला, इसकी कंडीशन भी आप देखें बिल्कुल फ्रेश कंडीशन और चीज़ से आप बेफिक्र हो जाए, कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कोई रिपेयरिंग। और ये कितने आराम से वॉल्ट पे चल जाएगा? ये जो है ये लोअर वॉल्ट पे भी चलता है, इसकी ये बिल्ट इन सप्लाई होती है कंपनी की फिटेड, ये 300 वॉट तक सप्लाई होती है, ये 80 वॉट तक भी अगर बिजली आपका वोल्टेज कम है तो ये सपोर्ट करेगा। अच्छा, तो आजकल ये कि कराची में लाइटें आपको तो पता है बहुत ज़्यादा जा रही है, तो ये लाइटें वाइटें जाती तो ये उड़ेगा तो नहीं? नहीं, इसके अंदर ये कंप्लेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी सारा डेल का स्टॉक हमने रखा हुआ है इसमें, यही अच्छी बात है कि ये कम वोल्टेज पे भी सपोर्ट करता है। असील भाई, हमारे व्यूवर्स को अपनी शॉप का प्रॉपर एड्रेस और अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह गाइड कर दें। हमारा शॉप का एड्रेस बिल्कुल ईजी है, सदर मोबाइल मार्केट से सबने देखी है, सदर मोबाइल मार्केट के बिल्कुल बराबर में अम्मा टावर के नास प्लाजा बिल्डिंग है, वहीं पर हमारी शॉप है, 238 शॉप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 0348354330 व्हाट्सएप नंबर है, भाई अब हमसे कॉन्टेक्ट करें।